आप थंबनेल और टाइटल देख के ये समझ ही गए होंगे कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है हाउ बिग इज टाटा। अगर हम आम आदमी से पूछें तो भी वो ये कहेगा, वो उसकी सोच क्यों होती है कि इतना पैसा हो जैसे टाटा बिल अंबानी। फिर भी अगर हम उससे पूछे कि टाटा कितना बड़ा है या फिर टाटा के पास कितनी कंपनी है पूरे टाटा ग्रुप में, तो फिर वो बोलेगा टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, TCS, टिस्को, टाटा पावर एंड ताज होटल। बट क्या टाटा ग्रुप इतना ही बड़ा है? नो, बट इट इज मोर बिगर देन यू हैव इमेजिन्ड। अगर कोई मुझसे पूछे कि टाटा ग्रुप कितना बड़ा है, या फिर मैं आपको अगर दो लाइन में बोलना चाहूँ कि टाटा ग्रुप कितना बड़ा है, तो फिर मैं सिर्फ दो लाइनें यही बोलूंगा, मोर देन 100 कंपनीज एंड मोर देन 150 कंट्रीज। जमशेद जी टाटा का जो जन्म हुआ था वो 3 मार्च 1839 को हुआ था। मिसे वन जी जो उनके पिताजी थे वो एक पारसी थे। जमशेद जी टाटा का जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो ईरान से आए थे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती तो जो सुपर माइनॉरिटीज है, जो पारसीज है, वो पहले ईरान के नेटिव थे, लेकिन जब इस्लामिक एक्सपेंशन बढ़ा, इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुआ, जो पर्शियंस थे वो सब कैसे अपनी जान बचा के एक नाव में सवार होकर गुजरात के तट पर पहुंचे और इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट किया और फिर वो इधर ही आके बस गए। टाटा ग्रुप की जो स्थापना थी वो 1858 में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे की गई थी बाय द जमशेद जी टाटा। 1858 में ब्रिटिश इंडिया में 21,000 रुपए दे के एक बैंकरप्ट ऑयल मिल को खरीदा था चिंचपोकली के अंदर जमशेद जी टाटा ने, जिसको बाद में एक कॉटन मिल कन्वर्ट कर दिया गया था। अगर हम बात करें 21,000 रुपए की उस जमाने में, अगर हम बात करें 2015 में इस वैल्यू को इवेल्युएट किया गया था और ये पता चला कि इस 21,000 की वैल्यू आज की डेट में 52 मिलियन USD है, 52 मिलियन US डॉलर। मतलब अगर हम रुपीस में इसको कन्वर्ट करें तो ये निकलेगा कुछ 389 करोड़ रुपीस, जिसे बाद में अलेक्जेंडर मिल नाम दे दिया गया था। और उसी तरह जमशेद जी टाटा ने नागपुर में भी एक मिल को सेटअप किया जिसे उन्होंने नाम दिया एक्सप्रेस मिल। जमशेद जी टाटा के 4 एम्स थे, एक था उनका आयरन एंड स्टील कंपनी हो, एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, उनका था कि लग्जीरियस यूनिक होटल्स हो, और जो चौथा था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हो। 1903 में जमशेद जी टाटा ने ताजमहल होटल को पूरे दुनिया के लिए खोला। ताजमहल होटल के पीछे एक मैंने कहानी पढ़ी है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, हो सकते ये गलत भी हो क्योंकि कई जेन्युइन मीडिया प्लेटफॉर्म इस कहानी को नहीं बताते। अंग्रेजों के शासन में मुंबई में एक बहुत अच्छा लग्जीरियस होटल था, वर्ल्ड क्लास होटल था वेटसन होटल, जिसमें इंडियंस अलाउडेड नहीं थे। एक बार जमशेद जी टाटा उस होटल के अंदर गए थे जिसमें अंग्रेजों ने उसे बाहर निकाल दिया गया था और उन्हें घुसने भी नहीं दिया था। जमशेद जी टाटा के लिए ये बोला जाता है कि उनके अंदर ईगो जैसी भावना थी नहीं, लेकिन इस कहानी में ये दिखाया गया था कि जमशेद जी टाटा थे कि वो ऐसे हट हुए थे कि उन्होंने सी के बगल में ताजमहल होटल जल बनाया, जो कि एक वर्ल्ड क्लास होटल था जिसमें सारी फैसिलिटीज थी और इवन इसमें डॉग्स अलाउडेड थे, लेकिन इसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया था कि ब्रिटिशर्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द होटल। और ये ताजमहल होटल वर्ल्ड का पहला होटल बना था जिसमें ब्रिटिशर्स अलाउडेड नहीं थे। ताजमहल होटल का एक और यूनिक फीचर था उस जमाने में कि ये पहला होटल था इंडिया का जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी। लेकिन जमशेद जी टाटा की उसके बाद मौत हो गई और 1907 गौरव जी जब चेयरमैन बने तो उन्होंने तो की स्थापना हुई। लंदन में उन्होंने ऑफिस खोला और वहीं से इस कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन की कहानी शुरू हुई। इंडिया में हाइड्रो प्लांट कंपनी टाटा पावर का भी वही गठन हुआ और 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि आज भी विश्व के अच्छे इंस्टीट्यूट्स में गिना जाता है और इंडिया में फर्स्ट नंबर पे चलता है, सेकंड थर्ड में वही आप जानते हो GNU/DU चलती है। बाद में जब इसकी चेयरमैनशिप JRD टाटा के हाथ में गई तो JRD टाटा के टाइम पे इस कंपनी ने इतना बूस्टअप किया और इतना एक्सपेंशन हुआ कि जिस ग्रुप के अंदर 14 कंपनीज आती थी, आज की डेट में 95 कंपनीज आने लगी और ये 101 मिलियन US डॉलर की कंपनी एक 5 बिलियन की बन गई। JRD टाटा ने कई सारी वैरायटीज शुरू की, जैसे कि केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक्स, मार्केटिंग, इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग, टी और सॉफ्टवेयर। 1952 में टाटा एयर सर्विसेज, टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की गई, जिससे बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने मेजोरिटी ऑफ द स्टेक खरीद के उसे एयर इंडिया बना दिया। 1945 में ताज मोटर्स बनाई गई, जब प्राइमरी एम था लोकोमोटिव्स बनाना, लेकिन 1954 में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया कमर्शियल व्हीकल बनाने के लिए डेलमार बेंज, मतलब मर्सिडीज बेंज के साथ। और 1958 में आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS की भी शुरुआत हुई और 1991 में रतन टाटा आपके चेयरमैन बने। रतन टाटा के हाथ में कमान आती, ग्लोबल एक्सपेंशन को जैसे कि रफ्तार ही मिल गई। 2000 से उन्होंने टेटली, कॉपरस ग्रुप, जैगुआर, लैंड रोवर जैसे बड़ी बड़ी जॉइंट कंपनीज को अपने अंडर में ले लिया। रतन टाटा के बारे में भी एक कहानी है कि जब टाटा मोटर्स जैसी कंपनी
लॉस में जा रही थी, तो रतन टाटा उसे लेके फोर्ड के पास गए और उन्होंने कही कि फोर्ड वाले इसे खरीद ले। लेकिन रतन टाटा को बेइज्जत किया, या फिर हम कहते हैं उनका मजाक बनाया फोर्ड ने कि तुम लोगों को कुछ नहीं आते कमर्शियल व्हीकल्स बनाना। और जब बाद में फोर्ड एक टाइम ऐसा आया कि नुकसान में जाने लगी, तो उनके नुकसान को बचाने के लिए फोर्ड वाले फिर टाटा ग्रुप के पास आए और उन्होंने अपनी जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनीज बेची। जैगुआर जैसी लग्जरियस कार मेकिंग कंपनी आज की डेट में टाटा ग्रुप होल्ड करता। तो ये तो थी हिस्ट्री की बात। अब क्वेश्चन है हाउ बिग इज टाटा और टाटा डील किस चीज में करता। ऐसी शायद से कोई चीज नहीं हो जिसमें टाटा डील ना करता। टाटा ग्रुप के अंडर में मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जिसमें उनकी कंपनी डील ना करती हो। टाटा है 6 केमिकल कंपनीज, 24 कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी, 3 ई कॉमर्स कंपनीज, 9 एनर्जी कंपनीज, 19 इंजीनियरिंग सर्विस कंपनीज, 15 आईटी एंड कंप्यूटर सर्विसेज कंपनी, 6 सर्विसेज कंपनीज, 2 एयरलाइंस कंपनी, 5 केटरिंग कंपनीज, 10 होटल कंपनी, 8 फाइनेंशियल कंपनीज, 5 होल्डिंग कंपनीज, 2 रियल्टी कंपनीज, 4 ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज कंपनीज, 1 लॉजिस्टिक्स एंड 12 आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका आंकड़ा मेरे ख्याल से 120 के आसपास बैठेगा। 120 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं जो इस वक्त रतन टाटा या फिर हम कहें टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स के अंडर में आती हैं। जमशेद जी टाटा ने कुछ नॉर्म्स बनाए थे उस जमाने में, मतलब 150 साल पहले जमशेद जी टाटा ने कुछ अपनी लाइफ के नॉर्म्स बनाए थे अपनी कंपनी के लिए, जो आज यूनिवर्सली इस्टेब्लिश है, मतलब यूनिवर्सली लॉ की तरह काम करते हैं। जैसे कि जमशेद जी टाटा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को 8 आवर्स ऑफ वर्किंग और मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए थे। अगर हम बात करें ब्रांड वैल्यू, टाटा ग्रुप है वो आता आपका 34 नंबर में। तो अब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप के कुछ रिकॉर्ड्स की। टाटा कम्युनिकेशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिकेशन कैरियर कंपनी। जो TCS है वो ट्रिलियन माइलस्टोन को पार करने वाली पहली इंडियन कंपनी थी। टाटा मोटर्स कम्स अंडर द टॉप 5 कमर्शियल व्हीकल कंपनी, टॉप 10 स्टील मैन्युफैक्चरर, सेकेंड लार्जेस्ट बीवरेज कंपनी, सेकेंड लार्जेस्ट केमिकल कंपनी, लार्जेस्ट सोडा एश मैन्युफैक्चरर, टॉप 10 IT ग्लोबल कंपनीज, गुड अर्थ और 8 o'clock जैसी 3rd लार्जेस्ट कॉफ़ी कंपनी है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, जो कि साउथ अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट की कंपनी है। टाटा ट्रक एंड बसेस आर द लार्जेस्ट सेलिंग हैवी व्हीकल्स इन द अफ्रीका। टेटली टाई नंबर 1 कंपनी है UK की, जो कि प्रोवाइड करती है बीवरेजेस के प्रोडक्ट। वाइटेक्स पोलैंड की नंबर 1 कंपनी है जो कि बीवरेजेस के प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। जेनका चेक रिपब्लिक की ग्रैंड कॉफी इज द लार्जेस्ट सेलिंग कॉफी इन रशिया। टिस्को इज द लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी इन यूरोप। TCS द बेस्ट एम्प्लॉयर इन द यूरोप। यूरोवर इज द लार्जेस्ट सेलिंग व्हीकल इन मिडल ईस्ट। एंड द टाइटन इज द लार्जेस्ट सेलिंग वॉच कंपनी इन द मिडल ईस्ट। फर्स्ट प्लैंड इंडस्ट्रियल सिटी जमशेदपुर वॉज ऑल्सो मेड बाय दैम। टाटा ड्यू इज द सेकेंड लार्जेस्ट हैवी व्हीकल कंपनी इन साउथ कोरिया। अगर हम बात करें, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि टाटा ग्रुप होल्ड्स करता है। अब आप ये सोचिए, ये रिकॉर्ड्स हैं जो कि हमने पढ़े, कुछ छाट के दिखाए, कितने रिकॉर्ड्स होंगे, कितने अनगिनत जो कि हम जानते भी नहीं हैं। लग्जीरियस ताज होटल्स की बात हो, चाहे कोल माइंस इन इंडोनेशिया की, पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स इन म्यांमार या वियतनाम की बात हो, या फिर बुर्ज खलीफा, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर हांगकॉन्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एयर कंडीशनर जो कि वोल्टस कंपनी द्वारा की गई है, हाइड्रो प्रोजेक्ट से और भूटान की बात हो, या टेलीकम्युनिकेशन नेपाल और श्रीलंका की बात हो, मैप कॉफी ऑस्ट्रेलिया की हो, या फिर क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोल प्रोजेक्ट हो, ताज फैमिली जो कि जाम्बिया का सबसे महंगा होटल है, सबसे लग्जीरियस और वर्ल्ड क्लास होटल है, फिर दुबई का ताज जो कि दुबई का सबसे महंगा होटल है, सब टाटा ग्रुप के अंडर में आता है। अब कुछ सटारफुल बात और मैं बताता हूँ आपको, एक फन फैक्ट है कि ब्रिटिश सॉल्ट कंपनी का भी मालिक टाटा ग्रुप है। मतलब एक सटारफुल बात कि एक कंपनी जिसका नाम देश के नाम पे है और उसका मालिक किसी और देश की कंपनी, मतलब ब्रिटिश सॉल्ट कंपनी का मालिक एक इंडियन कंपनी है। लंदन में क्वीन रहती है बकिंगम पैलेस में, और बकिंगम पैलेस के बगल में ही ताज 51 बकिंगम गेट बना हुआ, जिसका सबसे महंगा जैगुआर सीट फॉर द जैगुआर कार लफर। 57% ऑफ द इनकम और द रेवेन्यूज ऑफ द टाटा ग्रुप कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं, जब इतना सारा पैसा है, अगर ये बिल गेट्स और जेफ बेजोस से भी अमीर है, फिर भी रतन टाटा को हम सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं मानते? क्योंकि रतन टाटा इज द इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपनी इनकम का 65-67% जो इनकम होती है उसका वो डोनेशन कर देता है, जिस वजह से जो उसकी इनकम और प्रॉफिट है वो लेस हो जाती है और वो कुछ 33% पे रह जाती है।
इसी रीजन की वजह से हम उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं मानते, ना उसे काउंट कर दो। तीसरी बार फिर हाउ बिग इज चाटा। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कुछ 35,000 वर्कर काम करते, यूरोप के अंदर 50,000, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10,000, साउथ अफ्रीका के अंदर 8,000, एशिया पैसिफिक 7,000, चाइना के अंदर 3,600, मिडल ईस्ट के अंदर 10,000, और अगर बात करें इंडिया की तो भूल ही जाओ। 7,22,281 एम्प्लॉयज टाटा ग्रुप के लिए काम करते हैं 2019 का ये आंकड़ा है। अगर हम बात करें, इसे कंपेयर करें सैमसंग से, ये जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं इन दी वर्ल्ड का भी दुगना है। टोयोटा, कोका कोला, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज के द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ को अगर हम कंबाइंड वैल्यू निकाल दें सारी कंपनीज की, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा है। अब मैं लास्ट फैक्ट एक आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट यूज़ करने के पीछे एक रीज़न होता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है, जो कि पूरी दुनिया में डाली गई है, और जो सबसे खतरनाक होता है वो समुद्र के बीच में डालना, मतलब सी बेड से होते हुए डालना। टाटा ग्रुप का रिकॉर्ड है इसमें भी कि जो लॉन्गेस्ट सी केबल है, जो कि लॉन्गेस्ट ऑप्टिकल फाइबर सी केबल है, वो ब्राज़ील से लेके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक है। अगर हम बात करें, इंटरनेट आज की ज़रूरत है, लेकिन इन केबल्स के बिना आप इंटरनेट सोच भी नहीं सकते, और इस इंटरनेट पे भी टाटा ग्रुप राज करता है सिर्फ इन ऑप्टिकल फाइबर्स के दम पे। 25% ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कैरिंग केबल्स इन दी वर्ल्ड सिर्फ टाटा ग्रुप के अंडर में आती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक ये पुराना कई सौ सालों से चल रही है एक कंपनी, जो कि आज भी आयरन और स्टील बना रही है, या फिर मोटर्स बना रही है, या फिर सिर्फ कुछ होटल्स चला रही है, ये कंपनी एक पुरानी सोच की है, तो फिर आप गलत है, क्योंकि ये कंपनी टाइम के साथ साथ एडवांस भी होती जा रही है, और यही रीज़न है कि ये कंपनी आज भी पूरे वर्ल्ड पर रूल करती है।